हे व्हाट्सएप यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल। आई यू इज़ बढ़िया झकास और बिंदास। एंड सभी जो भी स्टूडेंट हो वो तो शायद कॉलेज आ ही गए हो, जिसका बहुत दिनों से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे कॉलेज आने का। कॉलेज आ गए हो, उसके बाद नए नए फ्रेंड बनाओगे, उसके बाद जो बंदे अभी तक नहीं आए हो वो बंदे भी आने ही वाले हो। पर आज शायद ना आज मैं कॉलेज का बात करने वाला हूँ, ना आज मैं क्लास का बात करने वाला हूँ, ना मैं इन्फॉर्मेशन का बात करने वाला हूँ, ना मैं ब्लॉगिंग का बात करने वाला हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ कि मेरा चैनल मोनेटाइज मैंने कैसे किया, आखिर मुझे क्या क्या चीज़ से लड़ना पड़ा, और आखिर सवाल ये है कि मैं ब्लॉगिंग क्यों छोड़ना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, तो बहुत ही प्रोसीजर सी बात है कि जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो शायद मुझे ऐसा नहीं लगा था कि इतना जल्दी मैं अपना मोनेटाइजेशन कंप्लीट कर लूँगा, मेरा चैनल इतना जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा। मैंने तो भाई यहाँ तक सोच ली थी कि बस मैं ब्लॉगिंग जो करता था बस मस्ती के लिए करता था, बस कुछ याद रिकॉर्ड रिकॉर्ड के लिए करता था। पर आप लोग का सपोर्ट और प्यार की वजह से ये जो मेरा मजाक है वो मोनेटाइजेशन में तकलील हो गया, एंड आप लोग का एक एक फैमिली सी बन गई है, जिसमें अब मैं नहीं हूँ, मेरे साथ अभी शायद 1,050 लोग जुड़ चुके हैं, जिनमें एक फैमिली सी बन गई है। तो अब बात यहाँ पे ये आता है, मेरा सफ़र कहाँ से स्टार्ट हुआ। जब मैं कॉलेज आया था, आप लोग की तरह मेरे अंदर एक उत्साह सी थी कि जब मैं कॉलेज जाऊँगा तो कॉलेज जाने के बाद क्या है, कैसे करूँगा, किस तरीके से करूँगा। तो बस मैंने जब स्टार्टिंग में आया तो उससे पहले मैंने दो चैनल अपना मोनेटाइज कर रखा था, क्योंकि मेरा ट्रिक चैनल, गेमिंग चैनल, दो चैनल मेरा चलता है। दोनों चैनल मैंने कंप्लीट की थी, तो एक चैनल तो मेरा डिलीट हो गया, गेमिंग चैनल, और जो ट्रिक चैनल थी वो भी मेरा चल रहा है, 17-18 हज़ार सब्सक्राइबर उस पर भी कंप्लीट है। तो भाई मेरे अंदर वो था कि मेरे को YouTube का अच्छी खासी नॉलेज थी कि थंबनेल कैसे एडिट होते हैं, वीडियो कैसे अपलोड करते हैं, एंड बट ये नॉलेज नहीं था कि ब्लॉगिंग कैसे करते हैं। क्योंकि भाई देखो, ट्रिक चैनल और ब्लॉगिंग चैनल में दोनों में बहुत फ़र्क है। ब्लॉगिंग चैनल में क्या होता है, टैग नहीं लगता है, बट ट्रिक चैनल में टैग वैग लगा के हम वीडियो वायरल कर सकते हैं, ये ट्रिक चैनल का एक मतलब कि नियम रहता है। तो ब्लॉगिंग चैनल में आप लोग का शुरुआत हुआ, उसके बाद धीरे धीरे मोनेटाइजेशन हुआ, एंड धीरे धीरे बहुत सारा हमने अचीवमेंट की, बहुत सारा हमने सब्सक्राइबर कंप्लीट किए। पहले 1 से 50, फिर 50 से 100, 100 से 500, 500 से 1,000, कब हो गया पता भी नहीं चला। तो अब बात यहाँ पे ये आती है, चैनल तो मोनेटाइज हो गया, चैनल से अर्निंग भी हो गई, बट मैं अब ब्लॉगिंग क्यों छोड़ना चाहता हूँ। देखो भाई, आप लोगों को पता है, जहाँ तक कि आप लोग मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे, मतलब कि मान लो कि अगर आप लोग आ गए, आप लोग नहीं आए थे, तब तक मैं आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाता था कि चलो भाई सबको हेल्प करेगा, इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाता था, वो वीडियो भी मेरी अच्छी खासी रैंक कर जाती थी। पर अब अपने पास कोई कॉन्टेंट है ही नहीं। क्यों कॉन्टेंट नहीं है, क्योंकि मेरे क्लास में कुछ आपसी में मतलब पता है ना, या किसी को ऐसा होता है कि किसी किसी को लगता है, मतलब क्लास में कुछ ना कुछ होता रहता है सबके साथ। तो उस क्लास में हो गया कि हाँ भाई मुझे ब्लॉगिंग मत लेने का, मुझे नहीं आने का, मेरा बॉयफ्रेंड मना कर रहा है, किसी का मतलब कि किसी का बंदा, हर भाई मेच्योर है, हर किसी का अपनी अपनी प्रॉब्लम है। खैर उनका प्रॉब्लम हम नहीं छेड़ेंगे, सबको अपनी अपनी प्रॉब्लम है। तो मेरे पास लास्ट उपाय क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, आखिर मैं क्या कर पाऊँगा, क्या मुझे ब्लॉगिंग छोड़ देनी चाहिए यार, या फिर कंटिन्यू करूँ। फिर अगर मैं ब्लॉगिंग छोड़ देता हूँ, क्योंकि भाई अगर मान ले कि मैं ब्लॉगिंग करता हूँ या कुछ अदर कंटेंट भी क्रिएट करता हूँ, चाहे कुछ भी मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ, तो कंटेंट क्रिएट करने के लिए मेरे पास भाई कुछ तो कंटेंट चाहिए ना, जो कि मेरा ब्लॉगिंग कंटेंट था। तो ब्लॉगिंग कंटेंट के लिए भाई क्लास में जब तक अगर सभी सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक तो भाई ब्लॉगिंग नहीं हो सकता। अकेले अगर मैं दिखाऊंगा, मैं क्या दिखा पाऊंगा, जिसमें से क्लास में है 40 से 40 to 45% जो सपोर्ट में, हाँ भाई ब्लॉगिंग करते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं। बट कुछ लोग हैं जो अपने ही थे, बट शायद खैर अब छोड़ो, क्या ही बोलना। बट यार अब ऐसा सिचुएशन आ गया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ब्लॉगिंग छोड़ना पड़ेगा। तो खैर ये तो देखा जाएगा, ऐसे आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में डेडिकेट कर सकते हो, ब्लॉगिंग छोड़ दूँ या फिर ये चैनल डिलीट कर दूँ, छोड़ो यार चैनल पे बनाना ही नहीं, जो हुआ सो हुआ, चैनल डिलीट कर दूँ या फिर चैनल पे क्या मैं कंटिन्यू रखूँ, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। ऐसा जो स्टूडेंट नहीं आया हो, अगर उसको कोई भी हेल्प चाहिए, या कॉलेज में रहते हो कोई भी हेल्प चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है मेरा, वहाँ पे आप लोग मुझे फॉलो कर लो। फॉलो कर लेने के बाद आप लोग को भाई साहब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेगी, जिसमें आपको जो भी हो सके मैं हेल्प कर दूंगा। एंड फिर आए हो कॉलेज, मिलते रहना। टाटा बाय बाय।